आज देखेंगे पार्ट थ्री, समझे ना। इसके पहले कितना बना, पार्ट वन बन गया, पार्ट टू बन गया, है ना। अब देखेंगे क्या पार्ट थ्री में देखेंगे। पार्ट थ्री में क्या है, जितना भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूला होता है किसमें, वॉइस में, वो सारे इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज को हम देखने वाले हैं आज। इम्पोर्टेंट फॉर्मूले, ठीक है, मीन जितना भी आएगा, जितना भी यूज होता है, वो सारा फॉर्मूला हम आज डिस्कशन करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग वो बनता है ना। इसके बाहर और कोई फॉर्मूला यूज नहीं होता है वॉइस में। तो चलो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, ठीक है। किसका देखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कौन सा फॉर्मूला लगता है पैसिव फॉर्म बनाने के लिए। एक्टिव में तो है, जब पैसिव बनाएंगे ना तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा वो देखेंगे, ठीक है। इसमें लगता है, इसको लिख लो, एम इज आर प्लस बी थ्री प्लस बी थ्री, इस फॉर्मूला को यूज करना है। कब, जब एक्टिव से पैसिव बनाना हो और वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहे तब, ठीक है। सेकंड नंबर पे आता है, सेकंड फॉर्मूला आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। इसको जब पैसिव फॉर्म बनाएंगे इसमें कौन सा फॉर्मूला आएगा, देखो सिंपल सा है, एम इज आर प्लस बींग और प्लस बी थ्री। नंबर थ्री में देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इसमें क्या आता है, हैव हैज प्लस बीन प्लस बी थ्री। उसके बाद फोर नंबर में देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसका फॉर्मूला देखते हैं, हैव हैज प्लस बीन प्लस बींग प्लस बी थ्री। ओके, ये जो तुमको दिख रहा है यही है वो फॉर्मूला, ठीक है। इसको फिर आराम से लिखिए, तो डिस्कस करते हैं इस मैटर पे, क्या है ये मैटर। मैंने लिखा है यहाँ पे तुम्हारे सामने चार फॉर्मूला, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जिसने इसको समझा, समझ लो कि वो पूरा वॉइस को समझ लेगा और मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद बना करके लाएगा अगला वाला टॉपिक, ठीक है, समझे, बताने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। मैंने यहाँ क्या लिखा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि ये प्रेजेंट में है। अगर कोई भी सेंटेंस प्रेजेंट में रहेगा, कोई भी सेंटेंस किस में रहेगा, प्रेजेंट में, तो वहां पर जो इसका फॉर्मूला लगेगा वो क्या है, एम इज आर प्लस बी थ्री, ठीक है, ये याद रखना है। एम इज आर, एम आएगा चाहे तो इज आएगा चाहे तो आर आएगा, अगर यहाँ पर रहेगा आई तो वो एम आएगा, आई एम, ठीक है, बाद में वो बी थ्री एड करेंगे। अगर ही रहेगा तो जी के साथ इज आएगा, अगर यू रहेगा तो जी के साथ आर आएगा, एम इज या आ रहा है, समझे। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहला फॉर्मूला। दूसरा क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या रहेगा, एम इज आर तो रहेगा ही रहेगा, देखो सेम कॉम्बिनेशन है, बस थोड़ा सा क्या है बीम किया गया है और बी थ्री तो वही का वही है, समझे।
नेक्स्ट में क्या है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अगर ये रहता है इसको अगर पैसिव फॉर्म बदलेंगे तो हम हैव या हैज या प्लस बीन प्लस बी थ्री एड करेंगे ठीक है हैव या हैज एक यूज करेंगे जो तो आता है जैसा सब्जेक्ट रहेगा उसके हिसाब से आई है तो आई हैव ही है तो ही हैज ठीक है सी हैज दे हैव उसके हिसाब से इसको कन्वर्ट करेंगे बाकी बीन तो रहेगा ही प्लस बी थ्री रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या हैव हैज तो रहेगा ही प्लस बीन प्लस बी थ्री ये छोटा सा फॉर्मूला होता है अगर ध्यान देना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो इसका तीन फॉर्म आता है आपको पता ही है कि टेंस तीन तरह का होता है नहीं पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर क्यों रहता है क्यों रहता है प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर है ना तो पहला क्या है प्रेजेंट मैंने यहां बताया प्रेजेंट अगर हम इसको करेंगे इसके बाद क्या आएगा पास्ट आएगा ना तो यहाँ इज एम इज आर है तो पास्ट में क्या हो जाएगा पास्ट में क्या होगा हेड क्या पास्ट में वाज वेयर होगा ना वाज वेयर यहाँ पर क्या प्रेजेंट है और पास्ट में क्या होगा था क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा था वाज वेयर ये ना होगा अगर हम लिखेंगे यहाँ पे इसको हटा देंगे नहीं देंगे पास्ट इनडिफिनिट टेंस तो उसमें क्या हो जाएगा वाज वेयर प्लस भीतरी ठीक है उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है क्या होगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यहाँ एम इज आर तो वाज वेयर प्लस बींग और प्लस भीतरी ठीक है पहले क्या आएगा वाज वेयर प्लस बींग और उसके बाद प्लस बी थ्री क्या तो प्रॉब्लम है ये प्रेजेंट में है ये क्या आ जाएगा अभी ये जितना भी बताया नहीं वन टू थ्री फोर ये सारा किस में है प्रेजेंट में अगर हम इसको पास्ट में बदलते क्या करेंगे हम फिर यहाँ क्या है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम इसको करेंगे पास्ट में क्या पास्ट परफेक्ट यहाँ क्या हैव है हैज यहाँ क्या हो जाएगा हैड क्या होगा हैड प्लस बीन प्लस बी थ्री यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यहाँ क्या हैड प्लस बीन प्लस बीइंग प्लस बी थ्री कोई प्रॉब्लम अगर हम फ्यूचर पर चले जाए तो क्या होगा इसमें फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस यहाँ क्या होगा सेल विल प्लस भीतरी कोई दिक्कत अगर हम इसको ले जाए तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस सेल विल प्लस बीइंग प्लस भीतरी फ्यूचर परफेक्ट टेंस सेल विल प्लस बीइंग प्लस भीतरी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस सेल विल प्लस बीइंग प्लस बीइंग प्लस भीतरी क्या प्रॉब्लम क्या आ रहा है कुछ माइंड में अट रहा है नहीं समझ में आएगा क्या समझ में आएगा ठीक और अगर समझ में आया है तो अभी लिख के दिखाना होगा हम तो एक लिख के दिखाए ना तुमको दोनों लिख के दिखाना है अभी साइड में तीनों चार वो है ठीक है मैंने सिर्फ किसका लिख के दिखाया है प्रेजेंट का तुमको लिखना है पास्ट का और फ्यूचर का तो एक फॉर्मूला से चार फॉर्मूला सारा बन जाता है ठीक है तो ये अगर माइंड में बैठ गया तो तुम वॉइस को आराम से बना सकते हो उसका सोल्यूशन निकाल सकते हो कोई बड़ी बात नहीं है ठीक है तो इससे मैटर रखता है ये वाला चीज ठीक है देखो पहले ये समझ लो तुम्हारा ये पिलर है तुम इसको मजबूत कर रहे हो तुम्हारा घर भी मजबूत रहेगा एग्जाम में क्वेश्चन जरूरी नहीं है ध्यान से सुन लो एग्जाम में क्वेश्चन जरूरी नहीं है तुम जो मैं पढ़ाऊंगा वो ग्रामर बुक में कि हाँ आई एम गोइंग टू पटना या फिर आई एम मीटिंग ए मैंगो ए मैंगो इज बीइंग रिटन बाय मी वही टू क्वेश्चन आएगा ऐसा नहीं हो सकता है ठीक है हम उसमें गलत का साइड लगाते हैं ऐसा कभी नहीं हो सकता हो भी सकता है और नहीं भी सकता वहां क्वेश्चन कुछ और भी पूछेगा सिंपल सा पूछ देगा प्लीज चूज द राइट फॉर्मूला ऑफ द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ऑफ वॉइस और यहाँ चार्ट ऑफ सुन देगा तुम कौन टिक मारेगा फॉर्मूला पूछेगा ना जी तो वो देखेंगे ना कौन सा वाला है तो जो है टिक मारेंगे ये भी पूछ सकता है कि प्लीज टिक द राइट फॉर्मूला
तो हम देखेंगे कौन सा यहाँ पे एम इज और यहाँ हेड जोड़ देगा। तब यहाँ पर एम इज और यहाँ वाई जोड़ देगा, मान लो समझ लो वाई जोड़ देगा प्लस बी थ्री। अब बोल जाएगा ये प्रेजेंट इन्फिनिट टेंस का फॉर्मूला है या नहीं है, तो पॉइंट में रहेगा ही नहीं। अगर हमको याद है तो हम क्या करेंगे, यहाँ तो सिंपल से यहाँ क्या होगा, यहाँ तो आर ए होगा है ना, तो कहीं साइड में दिखा रहेगा आर वाला प्रॉब्लम, उसको टिक मार देना ये सही है। प्रॉब्लम तो अभी क्या करना है, मैंने बताया तुमको प्रेजेंट का, अभी पास्ट और फ्यूचर का लिख कर कॉपी में, ठीक है। फिर हम डिस्कस करेंगे इस मैटर पे कि ये इस फॉर्मूला में अब कैसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालना है, समझे ना बात को। नहीं तो फिर तोड़ दूंगा। चलो ठीक है, ओके बता रहा था, ठीक है क्या बोल रहे थे, बता रहे थे मैं अभी तुम लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट ओके ओके ठीक है। देखो अब यहाँ ध्यान देना है तुमको इस पर, एम इज आर प्लस बी थ्री। पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड है ए मिस्टर, ठीक है। ही हेल्प्स मी, ठीक है। जैसे हम बता चुके हैं कि इसके पहले जब मी आता है तो आई होता है, ही होता है तो हिम हो जाता है, ठीक है। तो हम क्या ही हेल्प्स मी है, देखो यहाँ पर एक छोटा सा लड़का खड़ा है, यहाँ एक लड़का खड़ा है, ठीक है। ये बोल रहा है, ये खुद बोलता है ये ही हेल्प्स मी, समझे। ये बोल रहा है कि वो मेरी मदद करता है, ये नहीं बोल रहा है ये। तो इसका मतलब कि ये लड़का कहता है कि ये इसकी मदद करता है, इसका मतलब ये लड़का जो है ना इसके द्वारा मदद किया जा रहा है, ये ना बोलना जा रहा है वो, ये लड़का इसके द्वारा मदद किया जा रहा है ना। तो ही हमको उसमें लिखना है कैसे, देखो ध्यान से, ही हेल्प्स मी, तो मी का क्या हो जाएगा आई, आई क्या यूज करेंगे, एम आई एम, ये हेल्प है तो उसका भीतरी क्या लिखेंगे, हेल्प। फिर ये बाय लगाते हैं और ये क्या है, ही क्या होता है, आई एम हेल्प बाय, क्या कोई परेशानी, मतलब कितना आसान था, था ना जी। ऐसे ही आई हेल्प यू, यू आर हेल्प बाय मी, समझे। यू आर आउट बाय हर, लास्ट वाला को पहले करना है, समझे, क्लियर। तो ये सारा होमवर्क कंप्लीट करके लाना है और कल डिस्कस करेंगे आगे वाले टॉपिक पे, समझे। चलो इसको उतार लीजिए, आराम से काम कीजिए। चलिए तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वाले क्लास में, ओके।